कि सर सफलता का रहस्य क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आप इतने सफल हो, सब लोग इतने सफल हो जाते, मैं नहीं होता, सफलता का रहस्य क्या है जरा बता दीजिए सर। हाथ जोड़ते हुए वो बोला। अब क्या हुआ सफलता का रहस्य जानने के लिए, सुकरात ने कहा ठीक है मैं तुमको सफलता का रहस्य बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। कब बताऊंगा? कल सुबह तुम जब मैं नहाने के लिए रहूं, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही कोई उपदेश देता हूं, तो जब मैं नहा रहा हूं तब तुम आ जाना और तब मैं तुमको बताऊंगा। तो वो व्यक्ति ठीक है, क्योंकि उसको कुछ पाने की चाह थी, कुछ वो पाना चाहता था, ज्ञान चाहता था। तो वो अगले दिन सुबह जल्दी ही गया नदी पे। अब सुकरात ने कहा ठीक है तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम भी नहा लो, क्योंकि मेरे नहाने से नहीं होगा, तुमको भी नहाना पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, वो व्यक्ति नहाने के लिए चला गया, और जैसे ही नहाने, वो सोचा चलो सुकरात जी के बगल में नहाने का मौका मिल रहा, बहुत अच्छा, कौन गवाए, जा करके नहाने लगा। अब वो जैसे ही नहाने लगा, सुकरात ने उसके गले को पकड़ा और पकड़ के नदी में डुबा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे सुकरात बड़े जल्लाद थे, नहीं दोस्तों, आप सीखना पूरी बात, पूरी स्टोरी सुनिए, पूरा इंसिडेंट सुनिए, पूरी एक घटना। उन्होंने उसको पकड़ के दबा दिया। अब वो पहले तो समझ नहीं पाया क्या हो रहा, थोड़ी देर तक डूबता रहा। अब उसको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम, अब वो तड़फड़ाने लगा, मरने की सिचुएशन में आ गया। लेकिन अब वो हाथ पैर पूरा झटकने लगा, हाथ इधर पैर उधर झटकने लगा, सुकरात को भी धक्का लगा। सुकरात ने लेकिन अपने पकड़, अपनी जो पकड़ थी उसको मजबूत बना रखी और उसको नीचे की ओर ही रखा। अब थोड़ी देर तक क्या हुआ, जब सुकरात को लगी अब तो मर ही जाएगा, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। अब उसने सबसे पहले, सुकरात ने उसको बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति बोला आप तो बड़े बेकार के आदमी हो, मैं आपसे ज्ञान मांगने आया और आप मुझे मौत के मुंह तक ले गए, आप गुरु हो ही नहीं सकते। तो सुकरात ने कहा, बड़े शांत स्वभाव में होकर के सुकरात ने कहा, मैं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। अब वो आदमी चकराया, मेरे प्रश्न का उत्तर ये कैसे दे सकता मुझे मार करके। तो उन्होंने कहा नहीं, बिठा ला उसको, इधर आओ बैठो, चलो सिखाता हूं। आप जब, उन्होंने पूछा कि जब तुम पानी में थे, जब मैंने तुमको डुबाया, तुम्हें किस चीज की जरूरत थी? अब ध्यान से सुनना सब लोग, आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा, सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब मैंने तुमको डुबोया तो तुम्हें पानी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई मुझे सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी, सांस लेने की थी, हवा की थी, सांस लेना मेरे लिए सबसे जरूरी था, वरना मैं मर जाता। तो सुकरात ने कहा, यही तो है सफलता का रहस्य। क्या? कि जब तक आप अपने सफल होने के लिए, आपकी जो मंजिल है, जब तक आप मंजिल को अपने शरीर का एक अभिन्न अंग, जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस लेना हमारी जीवन की एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम बिना सांस लिए जीवित रह ही नहीं सकते, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, अपनी जो सफलता है ना, उस सफलता को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, फिर देखो सफल होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको सफल होने से।